हम लोग अब निकलने वाले कोयले की खदान में और वहाँ पे हम लोग शूट करेंगे कि कोयला कैसे जमीन से निकाला जाता है खोद के, फिर ट्रक में लोड किया जाता है और ट्रक से फिर डंपिंग यार्ड में पहुँचाया जाता है और उसके बाद फिर डंपिंग यार्ड से फिर ट्रक के थ्रू कोयला का वास किया जाता है कोयला का वासरी में, और वासरी में कोयला वास करने के बाद उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी सारा चीज जांचने के बाद वो ट्रेन में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो हम सारा दोस्तों हम लोग चलते हैं अब CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का एरिया, क्योंकि काफी मजेदार एरिया है, काफी मजा आएगा क्योंकि वहां पर सिर्फ आपको कोयले 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 ही दिखेंगे। और अगर आपको कोयला पसंद नहीं है तो वीडियो देखना नहीं है, लेकिन जिनको पसंद है वो देख सकते हैं आराम से, और जिनको नहीं पसंद है वो भी देख सकते हैं क्योंकि देखने में क्या जाता है। तो देख लो यार, क्योंकि कोयला का फैक्ट्री में आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा ही। तो चलिए चलते हैं ब्लॉक में आगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे काफ़ी पानी गिर रहा है, इसमें ट्रक में पानी भराता है वो यहीं से होता है CCL का, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे ट्रक आगे लग के खड़ा हो जाता है और यहाँ से पानी भर के चला जाता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ दोस्तों हम लोग आ गए एक खदान जहाँ पे पानी भरा हुआ है, आप देख रहे हैं काफी अद्भुत नजारा है। आप देख रहे हैं किस तरह पूरा मिट्टी की कटाई की गई है और कोयला निकाला गया है यहाँ से। और ये देखिए यहाँ पे काफी सारे पोल है, बिजली के पोल, क्योंकि जो बड़ी गाड़ी है जो चाइना से एक्सपोर्ट होके यहाँ इंडिया में आई है वो गाड़ी केबल से चलती है, पेट्रोल और डीजल से नहीं। ये आपको नहीं पता, वो गाड़ी वहां पे देखिए यहाँ पे है आपका, हम दिखा रहे हैं, ये जूम करते हैं, यहाँ से नहीं पता चल रहा है, काफी दूर है वो, तो हम लोग उस जगह पे नजदीक जाएंगे और वो जो चाइना की गाड़ी है वो हम लोग को दिखाएंगे। ये देखिए ये है जो चाइना से एक्सपोर्ट करके इंडिया में आया हुआ है, ये केबल से चलती है, मतलब बिजली बिजली। और यहाँ पे देखिए ये है जो पंप लगाया जाता है और फिर इसको प्लास्टिक किया जाता है, प्लास्टिक के लिए यहाँ पे भी होल है, वहाँ पे भी होल है, यहाँ पे प्लास्टिक किया जाता है, पंप डाल के इस एरिया को उड़ाया जाता है, फिर उसके बाद कोयले की खदान से कोयला निकाला जाता है खुद। यहाँ पे देखिए धरती क्रैक हो चुकी है, यहाँ पे पूरा क्रैक है, इधर इधर कभी भी धंस सकता है, इसीलिए हम लोग इधर नहीं जाएंगे, साइड से निकलते हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरा क्रैक है, ये कभी भी गिर सकता है नीचे साइड के लिए, इसी से काट के निकाला जाता है। ये है चाइना की गाड़ी, काफी यहाँ शोर हो रहा है। ये देखिए जो मैंने आपको बताया था कि केबल, ये देखिए इस गाड़ी में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक केबल है जो गाड़ी में, इस गाड़ी में लगा हुआ है, तो ये गाड़ी में ये जो केबल है वो बिजली से चलता है। यहाँ पे देखिए ये केबल बिजली से कनेक्ट है और ये केबल देखिए यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँचा है, और उसके बाद वहाँ से जनरेटर है, यहाँ देखिए ये वाला पॉइंट, ये है जनरेटर जो बिजली को यहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है और फिर यहाँ पे इसको ले रहा है इस गाड़ी को। ये जो बड़ी सी गाड़ी दिख रही है TZ, वो है शैवल मशीन, इससे काफी ज्यादा उत्पादन में मदद मिलता है। तो यहाँ पे कोयला डंप होता है, पूरा यहाँ पे कोयला भरा हुआ है, ये देखिए, और इधर साइड भी है। इस गाड़ी का नाम है वाटर टैंकर और ये पानी स्प्रेड करता है रोड में कि डस्ट ना उड़े।
इस गाड़ी का नाम है व्हील डोजर जो आप देख रहे हैं। प्लेन किया जा रहा है रोड बनाने के लिए। और एक छोटा सा घर है जिसे अंदर कोई भी घुस सकता है ब्लास्टिंग के टाइम, क्योंकि ब्लास्टिंग के टाइम यहाँ पे काफी सारे पत्थर उछल जाते हैं हवा में और किसी को भी लग सकता है और कोई भी घायल हो सकता है। इसी वजह से ये घर, छोटा छोटा घर यहाँ पे रखा जाता है कहीं कहीं पे, कि ब्लास्टिंग स्विच देने से पहले जो ब्लास्टिंग स्विच दे रहे हैं या फिर कोई भी इधर उधर कहीं है तो वो लोग यहाँ पर बच सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हवा में उछल जाता है जब यहाँ पे ब्लास्टिंग होता है तो, और पूरा धरती हिल जाता है इस जगह का, तो यहाँ पे काफी ज्यादा डेंजर हो सकते हैं आगे। तो ये देखिए यहाँ पे इस खदान से सारा कोयला निकाल चुका है गया है, और वो देखिए पत्थर गुड़क रहे हैं, काफी खतरा है यहाँ पे, इसलिए हमेशा सावधानी बरतें। और जहाँ आपको लगे कि खतरा है वहाँ नहीं जाए। चाइना की गाड़ी है जो काफी हैवी मटेरियल है, काफी ज्यादा क्वांटिटी में कोयला निकाल सकती है ये, मतलब इस खदान का सबसे टॉप गाड़ी वो है, समझे, ये सबसे टॉप गाड़ी है, सबसे ज्यादा कोयला जमीन से निकाल सकती है एक बार। और इस खदान में है ना बोरिंग पानी निकालने के लिए, यहाँ पे बोरिंग होता है इसलिए क्योंकि जो डायनामाइट बम, उस बम को जमीन में डाला जाए, जो आपको मैंने दिखाया था ना जो बड़े बड़े होल से सीधा या होल या जो भी है, तो उस जगह पे डायनामाइट को लगाया जाता है, अंदर डाला जाता है, उसके बाद ब्लास्टिंग किया जाता है, और ये सारा प्रोसेस इससे होता है, यही है जो होल करता है जमीन के नीचे तक, और फिर उस धरती को, उस जगह को पूरी तरह से उड़ा दिया जाता है। ये पीली कलर की जो गाड़ी आपको दिख रही है TZ, ये है चाइना की, और ये सेवल मशीन है, और इससे कोयला में काफी ज्यादा उत्पादन होता है, फास्ट होता है उत्पादन, इसीलिए इसको चाइना से यहाँ पे मंगवाया गया है। ये देखिए यहाँ पे बोरिंग हो रहा है, काफी डस्ट उड़ रहा है, बोरवेल बोरिंग कर रहा है डायनामाइट बम को लगाने के लिए, और उसके बाद पूरे एरिया को उड़ा दिया जाएगा। तो आज तक आप देखे होंगे कोई भी यूट्यूबर ये नजारा नहीं दिखाया होगा जो मैंने दिखाया, इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। पीली कलर की आपको जो गाड़ी दिख रही है वो 100 टन डंफर है, इसमें कोयला लोड करके ले जाया जाता है खदान से। तो अब हम लोग दूसरे लोकेशन की तरफ जा रहे हैं, आगे देखते रहिए ब्लॉग में, काफी मजा आ रहा है, चलते आगे। तो ये चेक पोस्ट, आगे चलते हैं हम लोग क्योंकि आगे और कुछ दिखाना है। तो दोस्तों हम आ गए हैं वासरी, यहाँ पे कोयला को काटने के बाद यहाँ पे आता है कोयला, और कोयला का वास होता है उसका क्वालिटी पता चलता है, क्वालिटी अच्छा है गुड है बैड है, उसको छटाई होता है कोयला का, और फिर कोयला जाके इस ट्रेन के डब्बे में लोड होता है। तो बैक कैमरे से हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए वो ट्रेन जिसमें कोयला लोड हो रहा है सामने, यहाँ पर देखिए यहाँ पे कोयला लोड हो रहा है ट्रेन के बॉगी में, वहाँ पे कंपार्टमेंट दिया हुआ है, ये देखिए ये कंपार्टमेंट से कोयला निकलता है सीधा बोगी में गिरता है। यहाँ पे दो लाइन है और अभी एक ही ट्रेन है, दोनों ट्रैक का ट्रेन में कोयला लोड हो सकता है, पर अभी एक ही में हो रहा है, तो एक ही में हो रहा है, तो यहाँ पे अभी हम लोग, और देखिए ये बेल्ट के थ्रू आता है यहाँ पे डंप होने के लिए कोयला, ये बेल्ट में, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कोयला गिर रहा है,
ये देखिए कोयला लोड हो रहा है ट्रेन में, आपको दिख रहा है ना कोयला लोड हो रहा है। हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को सारा चीज इस सीसीएल कोलफील्ड सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड एरिया का जो रजरप्पा प्रोजेक्ट रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है उसका सारा नज़ारा दिखाया, कैसे काम चलता है, कैसे खुदाई होता है, कैसे ब्लास्टिंग होता है, कैसे क्या होता है, कैसे कोयला लोड होता है, कैसे कोयला वास होता है, सारा चीज़ मैंने दिखाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर देखेंगे कुछ ना कुछ नया, कुछ अद्भुत। तो तब तक के लिए बाय बाय।